नमस्कार, रूबरू के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सप्ताह एक शख्सियत की जिंदगी के तमाम छुए अनछुए ढके छिपे पहलुओं पर नजर डालेंगे, साथ में होगी उससे एक बेबाक बातचीत भी। कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे चेहरे से करते हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। उनके कामकाज का तरीका, उनकी आदतें, उनके बोलचाल का ढंग, रहन सहन, सब कुछ अनूठा है। वह एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और फिलहाल इस पद पर बने रहने के लिए चुनावी दंगल में भी डटे हुए हैं। तो आइए रूबरू होते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के एक दिलचस्प कैरेक्टर से जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार में गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ। पटना स्थित शेखपुरा के एक सरकारी स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा शुरू की और 1969 में उन्होंने पटना के बीएन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया। उसी दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। 1974 में उन्होंने एलएलबी में दाखिला लिया और उसी साल विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तभी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन में लालू यादव अपने साथियों के साथ कूद पड़े। 1975 में इमरजेंसी के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई और 1.5 वर्षों तक वे मीसा में बंद रहे। तब तक लालू यादव एक दबंग छात्र नेता के रूप में मशहूर हो चुके थे। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में वे पहली बार सांसद चुने गए। 1980 में वे बिहार विधानसभा के सदस्य बने। विधानसभा में विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद मार्च 1989 में उन्हें विपक्ष का नेता चुना गया। नवंबर 1989 में एक बार फिर सांसद बने, लेकिन संसदीय राजनीति उन्हें रास नहीं आई। मार्च 1990 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल को जब बिहार में अपनी सरकार बनाने का मौका मिला तो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्हें ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। विधानसभा में अल्पमत में होकर भी वे 5 साल तक सरकार चलाने में सक्षम रहे। लालू प्रसाद के बारे में तमाम लोगों की तरह तरह की राय है। यहाँ हम सिर्फ उन लोगों से बात कर रहे हैं जो या तो उनसे जुड़े रहे हैं या उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे पहले एक नजर उनकी खूबियों पर। निजी मामले में बहुत शानदार आदमी है वो। राजनीति में थोड़ा बहुत मतलब यानी असावधान हो सकते हैं। सब समझता है कि वो सीधा आदमी है और अंदर से काफी गंभीर होकर के जो सूक्ष्म और बारीक चालें होती है राजनीति की उसके माहिर है। सबसे पहली क्वालिटी जो व्यवस्था के प्रति जितना आक्रामक है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति लालू प्रसाद यादव है उतना कोई नहीं है। एक सबसे अच्छी बात है इतना फूहर कोई व्यक्ति बिहार में पैदा नहीं है। वो कुछ भी किसी पर कह सकते हैं। उनको क्या वो बोल रहे हैं संभवतः कभी विचार ही नहीं करते है कि उनको क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। सबसे अच्छी चीज मैं मानता हूं कि कम से कम झूठ बोलना, जो बोलना वो करना। आपको भी लग रहा होगा कि बात बनी नहीं, बने भी कैसे जब तक लालू यादव में क्या कमियां हैं यह लोगों से न जान ली। जो आक्रामक शैली है उसके लिए प्लस पॉइंट भी है और उसके लिए वही बुरी बात भी है, क्योंकि कभी कभी वो आक्रामक शैली जो है तो अपने साथी के प्रति भी वो इस्तेमाल करते हैं, अपने एमएलए और मिनिस्टर के प्रति भी, तो फिर वो माइनस पॉइंट बन जाता है। माँ मरचिया देवी और पिता कुंदन राय की 7 संतानों में लालू प्रसाद यादव 6 स्थान पर आते हैं। साधारण किसान के इस परिवार में न ही इतना पैसा था कि बच्चे पढ़ सकें और न ही इतनी जमीन कि कारण दोनों भाई को पटना के कृषि फार्म और पशु चिकित्सालय में चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। 8-10 साल की उम्र में लालू भी अपने भाइयों के पास आकर पढ़ने लगे। बचपन में उनका पढ़ाई का स्टार्ट हुआ फार्म में, एक झोपड़ी था वहाँ मेरा चाचा रहते थे, वहीं पर से मैंने कि उनका बच्चा क्लास में से कम जेल में उनका नाम लिखाया गया, वहीं से उनका मैंने कि स्टार्ट हुआ पढ़ाई का। आप मैंने कि वहीं से अपने एकल से और सब कॉलेज में। खर्चा कौन देता था? खर्चा हमें जो देते थे। तो पढ़ने में दिलचस्पी थी या खेलने कूदने में? ना, पढ़ने में खुद दिलचस्पी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोग मुख्यमंत्री निवास में क्यों नहीं गए रहने के लिए? अब हम लोग उनका तो खुद जैसा बाल बच्चा है, हम लोग का जैसा पहले से समाज था उस विचार में हम लोग अपना लगे हैं। आई हम लोग का कोई जैसे एथी नहीं है कि मैंने वो मुख्यमंत्री बन गए तो हम लोग अपना समाज में ले चले। आपके भाई उन्होंने आपको पढ़ाया,
आपकी मदद की और यहाँ तक पहुँचाया, उन सब के लिए आपने क्या किया? चपरासी है वही मेरे लिए पूंजी है, जो मैं उनको तो कलेक्टर नहीं बना सकता भाइयों को ना, मेरे सब भाई हैं। उद्योगपति तो बना सकते हैं। कैसे उद्योगपति बन सकते हैं, वहीं पर खुश हैं वो, जहाँ है वहीं पर बहुत प्रसन्न है कि उनका भाई राज्य का मुख्यमंत्री है। लालू यादव की जिंदगी में 1974 का वर्ष लकी रहा। इसी वर्ष वे विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और इसी साल उनकी शादी रबड़ी देवी से हुई। जब वे मीसा में बंद थे तभी वे एक लड़की के पिता बने। निशानी के तौर पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया। आज लालू यादव 9 बच्चों के पिता हैं। ये आपने 9 बच्चे क्यों पैदा किए? हर माँ चाहती है कि पुत्र पैदा हो। ये बात सही है कि हमारे यहाँ भी, मेरे घर में भी, रिश्तेदारी से लेकर घर तक हर जगह लोगों के मन में हुआ कि इसको संतान नहीं हुआ। हमारी पत्नी काफी चिंतित रहती थी, तो पुत्र के प्रत्याशा में पुत्रियां हो गई, लक्ष्मी हो गई साथ, फिर 2 पुत्र हो गए। मुझे फैमिली प्लानिंग तो मानते हैं। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? लालू जी, आप में ऐसा कौन सा हुनर है जिसकी बदौलत आप एक झोपड़ी से निकलकर मुख्यमंत्री बन गए? हुनर कोई खास नहीं है, मुझ में वो गुण नहीं है जो राजनेताओं में गुण हुआ करते हैं, राजा महाराजाओं में जो गुण हुआ करते हैं। मैं तो आम आदमी के रूप में मिट्टी में, जमीन पे मैं पैदा लिया और जमीन के लोगों के समस्याओं से जूझते हुए, संघर्षरत और आंदोलन करते हुए और व्यापक जनता का, गरीबों का आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, तो इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी होगा आपकी जिंदगी में जिसने आपको राजनीति में बढ़ाया हो, आपकी मदद की हो? ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी की मदद की आप राजनीति में यहाँ तक पहुँच गए। शुरू से ही राजनीति में, जब मैं गांव से आया था तो गांव में भी जब मैं था, जब मैं चरवाही करता था, जो मजदूर लोग काम करते हैं गाँव में, उस समय से ही मेरे मन में, मेरे जहन में लीडरशिप का गुण विद्यमान था। जो इस देश के महान समाजवादी नेता रहे हैं, डॉक्टर लोहिया जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, और आगे चल के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का विचार मुझे बहुत ही प्रभावित किया। जैसे अभी आपने जेपी का नाम लिया, लेकिन आपके कुछ विरोधियों का कहना है कि जेपी आपसे आंदोलन का वक्त बहुत नाराज हो गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जयप्रकाश बाबू अगर खुश थे तो सबसे ज्यादा मुझे ही वो प्यार करते थे। मेरा मतलब है कि आपके कुछ विरोधियों का कहना था कि जेपी इसलिए आपसे नाराज थे क्योंकि आप चंदे का पैसा ही डकार गए। क्यों चंदा? किस बात का चंदा? मैं तो सबसे लंबे काल तक मैं जेल में पड़ा रहा। ये तो सब बाहर जो आरोप लगाते होंगे लोग, वो तो बाहर थे। तो फिर जेपी नाराज रहते तो सिर्फ मुझे ही टिकट क्यों मिला? लोकसभा के चुनाव में अगर पहला टिकट मिला है तो सिर्फ मुझे ही मिला, वो छपरा से, मैं जेल में बंद था। जिन लोगों की आपने मदद की राजनीति में बढ़ाया, या जिन लोगों ने आपकी मदद की राजनीति में बढ़ाया, वो आपको छोड़ क्यों गए? आपके साथ कोई टिकता क्यों नहीं है? बिल्कुल हमको कोई पहुंचाने में मदद नहीं किया। मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहता। मैं बेताज के बहुत लोग, मुंगेरी लाल का हसीन सपना सोए बैठे हुए हैं। हमने किसी से मदद नहीं ली है, मदद में लग गए, अपनी नहीं बनी बने पीछे लग गए मेरे पीछे। और हम लोगों ने मदद, हमने ज्यादा से ज्यादा मदद किया। अब एग्जाम्पल के लिए श्री राम लखन सिंह यादव ने मुझे कभी नहीं मदद किया। उनका बेटा, तो बाप बेटा और मिस्टर गफूर और इनू सलीम और नीतीश कुमार, ये हमारे दल के, और अजीत सिंह और ये जितने लोग हैं, इनसे मैंने कोई सहायता नहीं लिया है। जॉर्ज फर्नांडिस आपके खिलाफ क्यों है? ये सब जॉर्ज फर्नांडिस, देखिए अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये एजेंट है, ये नकली सोशलिस्ट है, ये थ्रोड से ओट से सोशलिज्म की बात करता है। आपको मालूम होगा कि चौधरी चरण सिंह जब थे प्रधानमंत्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर ये थे, तो रात बंबई बिताते थे जॉर्ज फर्नांडिस। और इनके मामले में और इनके चरित्र के मामले में दुनिया को पता है। और ऐसे लोगों को कहीं शेल्टर नहीं मिलता,
तो ये बिहार ने शेल्टर दिया, सैकड़ों मलाह जादव मारे गए इनके चुनाव में, और ये आए हैं हमारा वोट कटवाने के लिए। जॉर्ज फर्नांडिस क्या होता है मेरे राज्य में, इनकी औकात क्या है यहाँ, इनका जनाधार क्या है यहाँ? अगर है हिम्मत तो बिहार, अब बिहार में तो सवाल ही नहीं है कभी एमपी बनने का, और है हिम्मत तो देश के किसी कोना में जा दिखा दो। तो यहाँ बेवकूफ बनाते रहो, बिहार कोई चरगाह नहीं है। इस बार ऐसे लोगों को बिहार के अंदर, बिहार की जनता का कोई आशीर्वाद स्नेह नहीं मिलने वाला। ये तो कहीं ना कहीं ये आदमी मल्टीनेशन की बात करता था, गेट की बात करता था, और कारगिल की बात किया, एक पूंजीपति को साथ देता, दूसरे को ट्राई करके पैसा चंदा लोग लेते। कौन सा सोशलिज्म कर रहे हो विदेशों में, बार बार जाते हो, कौन सा यूनिटी आप कर रहे हो? आज यहां गरीब गुरबा की सरकार बनी है, पहली बार बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं, दलित बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटी के लोग, कि अब हमारा सवेरा हुआ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कन्फ्यूजन फैलाना है। तो मैं खैर इनका नाम भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आपने नाम ले लिया, ये मेरे सामने कोई चीज होते नहीं, और हमारे राज के सामने। लेकिन नीतीश कुमार भी तो उसी तबके से आते हैं। तबके से आते हैं, अपना हैं, लड़ रहे हैं। अब हम लालू यादव की जिंदगी के उस पहलू की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, और वह है उनका रहन सहन। वह मुख्यमंत्री के बंगले को गांव बनाने की कोशिश में रहते हैं, जिस पर शहरी आदमी तो हंसे लेकिन गांव वाला खुश हो। मसलन गाय का दूध निकालना, अलाव तापना, खाना बनाना, खेती करना, कुल मिलाकर एक गवई शैली का मुख्यमंत्री उन्हें कहा जाता है। वह अपनी धुन में मस्त रहते हैं और वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, लोग चाहें जितना उनका मजाक बने। कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई, कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई। काहे करला तू हल्ला, काहे करला तू हल्ला बेकार होई। कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई, कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई। कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई, कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई। कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई, कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई। कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई, कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई। पायलट से हम कॉलिंग, पायलट रिटर्निंग सर। हंजा कलेक्टर साहब को बुला लो, कहाँ है? भैंस के सिंह से सीएम के सीट पर, भैंस से भैंसी का सिंह होता उस पर मैं बैठता था, और सीएम का सीट पर बैठा, कलेजी बना रहा। बम्पर फेंको, चलो। उनकी बातचीत से, यानी उनकी जो अपने नाटकीयता शैली के, बिहारी भाषा में कह सकते, बड़ा जो अनाड़ी बन के देहाती शैली को उस पे जोर देते हुए, अच्छा है। साथ साथ अगर उसके काम भी किया होता। इनके आचरण, इनके व्यवहार इतने असंस्कृत, अनकल्चर और रफ हुए कि कोई भी, सब लोग उनके साथ बैठ के बात, आज कोई बड़ी पदाधिकारी उनके साथ खुलता नहीं। ऐसे मुक्काबाज लोग सिनेमा में चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग, फैट और छुरा चलाने में, तो इन्होंने भी बिहार का नाम बड़ा रोशन किया। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवार वही आदमी है। देश भर में मालूम हुआ कि बिहार का आदमी सचमुच में लगता है इसी तरह का शत्रुघ्न सिन्हा जैसा लोफर होता है क्या? इसको और कोई काम नहीं मिला तो छुरा और दारू पी के लाल आंख करके सिनेमा के पर्दा पर आया। और ये बिहार बुद्ध की धरती थी, पहले वो अपना दशा सुधारे, वो भी उम्मीदवार थे यहाँ मुख्यमंत्री के। अब मैं क्या कहूँ, मेरी भाषा तो लल्लू यादव की तरह हो नहीं सकती है। अगर मैं भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगूँ तो फिर मुझमें और लल्लू यादव में क्या अंतर आ जाएगा? ये उनकी संस्कृति है, वो गालियाँ देते हैं,
वैसे तो आप लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन पूरे देश में लोग आपको लल्लू क्यों समझते हैं? इन आवर कंट्री एंड स्पेशली इन बिहार, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स एंड एलिट पीपल अंडरमाइन मी एंड दे फ्लोट डिफरेंट टाइप ऑफ रूमर अबाउट मी. नॉट ओनली LLB, आई एम ग्रेजुएट इन पोलिटिकल साइंस एंड कम्प्लीटेड LLB डिग्री ऑल्सो. फिर भी मेरे विषय में डिफरेंट एंगल है. सम पीपुल यूज टू मी व्हाट हैपन इन बिहार, ललुआ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हु दे आर. लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा है. एक तरफ लोग उन्हें गरीबों का हमदर्द कहते हैं तो दूसरी ओर डिक्टेटर. ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में उन्होंने ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया जो अपराधी हैं, जबकि खुद उनका कहना है कि वो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने बिहार को माफिया राज से मुक्ति दिलाई है. लालू जी का आतंक राज बिहार में प्रशासन के बल पर नहीं चल रहा. प्रशासन तो पंगु है, पुलिस अपनी तहकीकात नहीं कर पा रही है, प्रशासन के लोग अपने प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे. नीचे से लेकर के ऊपर तक एक अलग समानांतर तंत्र विकसित कर दिया गया. माफिया गिरोह है. हम लोगों ने तो आरोप लगाया था विद्रोह करने के बाद कि यहां के कई विभाग ऐसे हैं सरकार के जो अलग अलग माफिया गिरोहों के चंगुल में है. मंत्री और अधिकारी अपनी जगह पर है, विभाग वही चलाता है. जिले जिले बटे हुए हैं, जिले में कौन चलाएगा जिले को. राज्य में जो संगठित माफिया गिरोह था, चाहे पानी माफिया हो, कोयला माफिया हो, या ताड़ी माफिया हो, या यहाँ इसी राज्य में मार्च लूट होते थे, और अभी जात वर्ग है उसके डेवलपमेंट के परिभाषा अलग है, लालू यादव के परिभाषा अलग है. ये कागज पर दिखाए जाते थे और मार्च के महीने में इस राज्य के पैसे लूट लिए जाते थे. छेनी से पहाड़ काटने का सिंचाई में ठीका मिलता था, छेनी और हथौड़ी से. इस राज्य को एक कल्चर, एक संस्कृति, यहाँ पूरा एजुकेशन माफिया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, वेटनरी ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, ये सारा जो गोरखधंधा था, ये भ्रष्टाचार, इस पर हमने काबू पाया. सैकड़ों लोगों को जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे हैं जेल के सिकचों में बंद किया हमने. पूरे देश में शायद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पिछले कई सालों से तमाम सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें तक नहीं मिली. कारण, सरकार के पास पैसा ही नहीं है. कई दफ्तरों में तो महीनों से ताले पड़े हैं. आखिर यह सब क्यों है? पहले जब मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, तो इस स्टेट में कहानी मशहूर थी और लोग कहा करते थे अली बाबा 42 चोर, क्योंकि उनका 42 मंत्री था, तो कहा करते थे डॉक्टर मिश्रा के बारे में अली बाबा 42 चोर. अब उसकी जगह लालू बाबा 72 डकैत. हरिजन बच्चे बच्चियों और आदिवासी बच्चे बच्चियों को जो जो छात्रवृत्ति केंद्र सरकार से मिलती है, वो 3-3 साल तक वो छात्रवृत्ति नहीं मिली है और वो डाइवर्ट करके सैलरी पेमेंट हो रहा है. वो कोई लालू सरकार का अकेला दोष है, वो तो विरासत में मिला हुआ जो ढांचा है, जो विपन्नता है, जो संकट है, वो कोई जादू की तो है नहीं, वो तो संसाधनों से आता है. जो बिहार का वाजिब हक है, अब जैसे कोयला है तो कोयले पर रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी मूल्य के आधार पर, एड वैलोरम मिलना चाहिए था, वो मिल रहा है वजन के आधार पर. लड़ाई नहीं हुई, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे कोयले का उचित रॉयल्टी दो. आवाज बोल रहे हैं 5 साल बीतने के बाद कि हम सेंटर से लड़ाई लड़ेंगे. बिहार में जातिवाद का आलम यह है कि गांव में लोग चौपाल में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक की जात निकाल लेते हैं, और वहां एक भी ऐसा राजनीतिक नहीं रहा है जिसने जातिवाद को बढ़ाने की बजाय कम किया. ये भी गलत प्रचार किया कि आदिवासीशन हमने कर दिया बिहार में. ये भी प्रचार किया कि 35-35 कलेक्टर SP यादव लगा के हमने रखा. मुश्किल से एक गोरेलाल यादव को कलेक्टर छोड़ के दूसर का सांवरलाल यादव भी नहीं है बिहार में, जो DC था जमशेदपुर में. एक SP यादव छोड़ के तीसरा SP नहीं है, दूसरा SP कोई नहीं है. ये आंकड़ा तो साफ है ना
कि वो जो 252 टिकट बांटा है उन्होंने, जिनमें की 78 हरिजन आदिवासी ही है, तो 252 में से 78 को मैनेज कर लीजिए। बाकी जो जगह बस्ती है उन जगहों में से 87 इन्होंने यादव को ही जनता दल का उम्मीदवार बनाया। हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में जगन्नाथ मिश्रा था तो 100% क्या कहते हैं खाली ब्राह्मण आता था, उस समय में कोई कहाँ कहता था कि भाई ये ब्राह्मणकरण हो रहा है। तो जादवीकरण, हम इस बात को मानते हैं कि जब आदमी कास्ट के प्रति थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है। यहाँ लालू यादव है, दलित गरीब पिछड़े दलितों का, यहाँ लालू यादव का बात चलता है फरमान, और कोई फरमान कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्यार मोहब्बत काम, चाम प्यारा नहीं है मेरा, काम प्यारा है। जितना ही मेरे खिलाफ ये चंद लोग लगते बोलता कि लालू यादव को उखाड़ के फेंक दो, सब बोलता है, कोई अमूल्य थोड़ी है कि मुझे उखाड़ के फेंक दोगे। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। शुरुआत कर रहे हैं लालू यादव, वो तो लालू यादव के मस्खरेपन की सैकड़ों कहानियां, लेकिन उतने ही किस्से राजनीतिक बाजीगरी में उनकी महारत को लेकर है। अभी देखिए, सरकार बनाने के लिए उन्होंने ऐसा त्रुप का पत्ता चला और उस कांग्रेस को अपने पाले में आने के लिए मना लिया जिसने लालू के खिलाफ ये चुनाव लड़ा था। यहां तक कि सोनिया गांधी भी कह चुकी थी कि लालू राबड़ी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अब ये अलग बात है कि इसके लिए उन्हें अलग झारखंड राज्य की बात भी माननी पड़ी, जिसके लिए वे कहते थे कि यह उनकी लाश पर बनेगा। तो पहले बातचीत शुरू करते हैं लालू यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर सारी भविष्यवाणियों को दरकिनार कर आखिरकार अपनी पार्टी की सरकार बनवा ही ली। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वे सबसे बड़े दल के तौर पर उभरे और कांग्रेस के समर्थन से एनडीए की सरकार गिराकर राबड़ी देवी को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाया, लोग उनके राजनीतिक कौशल का लोहा मानने पर विवश हो गए हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इन विधानसभा चुनावों में भी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे आरजेडी को वापस सत्ता में लाने में सफल रहे। हालांकि सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने के बावजूद उनकी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला, लेकिन 7 दिनों तक चली नीतीश कुमार सरकार के पतन के बाद राज्यपाल के सामने राबड़ी देवी को बुलाने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। लिहाजा बिहार में आरजेडी की सरकार फिर बनी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों की मदद से लालू यादव विश्वास मत जीतने में सफल रहे हैं और उन्हें इस दफा भी यकीन है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लालू जी, इस बार तो जितनी पार्टियां थी सारी आपके खिलाफ एकजुट थी इस चुनाव में, और ऐसा लग रहा था कि 50 सीट, 55 सीट, 45 सीट, 60 सीट आपको मिलेगी, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि आपको 100 से ऊपर सीट मिल गई, ये सब पटखनी खा गए? बात यह है कि देश भर की सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी में उसमें सेक्युलर लोग भी थे और कम्युनल पार्टी स्पेशली भारतीय जनता पार्टी और उनका जो रामलीला मंडली है, मूल निशाना उन्होंने बनाया था बिहार को। अगर मुल्क चलाना है तो बिहार को पहले हाथ में करो, मुल्क पर अगर कब्जा करना है, ये उनका उद्देश्य था। इसलिए काफी पैसा, साधन, फिल्मी हस्तियां, एक नहीं, एक का काट एक, कहीं शत्रुघ्न सिन्हा है तो फिर हेमा मालिनी है। भारत सरकार का आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो टैक्सी बना हुआ था चुनाव में। से पहले कहा जाता था कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू, इस बार लोग कहते थे कि समोसे में न आलू रहेगा न बिहार में लालू रहेगा। इसलिए मैंने इन लोगों को कहा कि ज्यादा बकवास करोगे तो भालू से फुकवा देना, क्योंकि ये छली लोग हैं, फासिस्ट लोग हैं, छल और प्रपंच से बुद्धिजीवी, बुद्धि है नहीं, बुद्धि से जी रहे थे। इनका इलाज हमारी बिहार की जनता गरीबों ने किया, ये हमारा परिश्रम है।
लेकिन कांग्रेस से कहते हैं आपने बड़ा झुक के समझौता किया। कोई किसी से झुकने का सवाल नहीं, कांग्रेस पार्टी हो या जितना भी सेक्युलर पार्टियां हैं, लालू का सवाल नहीं और कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं। देश में कम्युनल ताकतों को लाख विरोध होने के बावजूद भी कम्युनल ताकत हमारा निशाना है। हम अपने भेदभाव को भी भूल करके, छोटे मोटे झगड़ा मान अपमान का भी बात छोड़ करके, हम सांप्रदायिकता को इस देश में एक क्षण बर्दाश्त देखना हम नहीं चाहते हैं, कम्युनलिज्म को। नहीं, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, झारखंड के मामले में तो कलाबाजी आपने ले ली। नहीं, कोई कलाबाजी नहीं है इसमें। झारखंड के हम कभी विरोधी नहीं रहे, हमारा लड़ाई और उनकी भी मान्यता थी पहले। जो झारखंड मूवमेंट के लोग थे, शिव सोरेन, सूरज मंडल और लोग बहुत दिन से झारखंड का। लेकिन आप तो कह रहे थे झारखंड हमारी लास्ट पे। मैं बता रहा हूँ आपको कि 26 जिला को मिलाकर हमने कहा 73 राज आप बना दो, आदिवासी को मुख्यमंत्री, गवर्नर, सारा मंत्रिमंडल आप बना। अब जबकि हम मैंडेट लेकर के गए आरजेडी, झारखंड राज के विरोध में हमको मैंडेट नहीं मिला। अकेले हम पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं आए, बहुमत जनता ने नहीं दिया, उस मांग को भी जनता ने हमारी खारिज कर दिया। तो हमारी मान्यता है कि जब सब पॉलिटिकल पार्टी बिहार से सब चाहते हैं कि 18 जिला मिला के ही एक नमूना के रूप में स्टेट बनाया जाए, तो हमारी पार्टी, हम परिवर्तन करने वाले लोग हैं, हम जिद्दी लोग नहीं हैं। तो मतलब झारखंड बनवाने को तैयार हैं? बिल्कुल, ये तो काम है सेंटर का, जिले तो वो कर रहे हैं, उत्तराखंड वो नहीं बना रहे हैं, झारखंड वो नहीं बना रहे हैं। स्टेट का काम है लेजिस्लेचर का ओपिनियन दे देना, हम ओपिनियन पक्ष में दे देगा हमारी पार्टी। अच्छा, कांग्रेस भेजो तो पहले देखें, हम लोग भी सुझाव देते हैं लोगों को, ऐसे चलना, वैसे चलना, इनसे बचना, उनसे बचना। तो ये सवाल, जब हम साझा सरकार बनाने चले हैं तो मिनिमम हमारा कॉमन प्रोग्राम और टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा एंड कमिटेड फॉर द पीपुल, फॉर द बैक बेंचर, बैकवर्ड, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी एंड द फार्मर्स। बट डोंट यू थिंक इट इज अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिस्ट स्टैंड? नो 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 नो, देर इज नो एनी पोलिटिकल पार्टी, सिंगल पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया हु इज इन ए पोजिशन टू रूल एलोन। एक कोलिशन गवर्नमेंट अभी चलेगी तो उसमें झुक जाओ। सब नहीं, झुकने का कहां सवाल आता है इसमें, झुकने का कहां सवाल है? तो लोग ये बोलेंगे मौका पर अपनी पुरानी बात छोड़ दी और ये मान लिया। जब उनका काम नहीं निकला, सिद्ध नहीं हुआ हमारे ओपोनेंट का, तब ये प्रचार करना शुरू किया। उनके लिए बात नहीं आती है, उनको अगर कांग्रेस पार्टी मदद कर देती या टूट जाता, कोई वो पार्टी टूट जाती, वो पार्टी टूट जाती तो बहुत अच्छा। ये दल तोड़ू लोगों को, जो दल तोड़ने चले हैं, दूसरे के विचार को बदलने चले हैं, ये तो बड़ा भारी अपराध है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितने दिन आपकी सरकार चलेगी? कांग्रेस वालों तंग करेगी आपको या कुछ ऐसा? बात सुनिए, हमको अनुभव है सरकार चलाने का, जनता और सब लेजिस्लेचर स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है। बीजेपी चाहती है कि प्रेसिडेंट रूल लागू करवा दें ताकि सब रोड पर चले जाए। हमारी गवर्नमेंट राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में जो गठन हुआ है, ये स्टेबल गवर्नमेंट है, अस्थायी तो देगी अगले 5 साल तक, और 5 साल के बाद से फिर चुनाव होगा तो फिर अगले 5 साल तक। सात दिनों की नीतीश सरकार के दौरान कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक की खबरों ने लालू यादव की हवा खराब कर दी थी। उनके जुमले, उनकी उलट बासियां सब गायब हो गई थी। लेकिन अब बिहार की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के बाद वे अपने पुराने रंग में हैं। अब वे सीबीआई से लेकर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव सहित किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिखते। अच्छा, एक बात ये चल रही है कि आगे बड़ी जल्दी सीबीआई चार्जशीट दाखिल करेगी राबड़ी देवी के खिलाफ भी, और उनको भी उतरना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। देयर इज नो केस, और केस चार्जशीट या कुछ भी करना हो, झूठ फूस जो भी करना हो करें,
इनकम टैक्स का राबड़ी देवी और मैंने रिटर्न दिया है, कोई डिस्पोर्शनेट नहीं है। जो हम लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है 40,000 एक मुख्यमंत्री का और पूरे फैमिली का, बच्चा से लेकर के अभी तक लगातार मेंबर पार्लियामेंट, ओपोजिशन लीडर, लेजिस्लेचर रहे, और हमारे खेती है राबड़ी देवी का खेती और मकान का भाड़ा और डेयरी का बिजनेस, तो ये सारी संपत्ति जोड़ा के आमद और खर्च, आमद कहाँ से आया, खर्चा कितना हुआ, बैलेंस कितना हुआ, इनकम टैक्स असेसमेंट के असेसमेंट करके मान लिया, सारी बातें हो गई। और इनकम टैक्स भी 40,000-50,000 का असेसमेंट नहीं करता है, इतना दिल्ली से लेकर के यहाँ तक इनकम टैक्स भी कसरत कर रहा है, मतलब इनकम टैक्स के अफसर भी हंसते हैं कि क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, लेकिन अगर गवर्नर की सहमति लेके उन्होंने चार्जशीट करा दिया तो पद छोड़ेंगे आप? गवर्नर को कोई राइट नहीं है सेंक्शन देने का, यह मैटर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। इस बार गवर्नर इज नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इस बार मास्टर पीपल इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नहीं, इसका मतलब इस बार राबड़ी जी को आप इस्तीफा नहीं देने देंगे? बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं, एरोगेंसी की बात नहीं, मैं नियम और कायदे की बात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। आप इस्तीफा करो वहां से, दिल्ली से इस्तीफा करो, और कानून दिखाओ कि चार्जशीट होने पर इस्तीफा करना पड़ेगा। ये प्रयोग 5 साल से हम लोग के खिलाफ हो रहा है, डेरा धमका डिमोरलाइज किया जा रहा है, हम लोग को गलत रूप में दिखाया जा रहा है बाहर में। हम अपना गरीबों के संघर्ष को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हमारा जंग और जिहाद जारी रहेगा जितना भी तुम अपना बांध फेंकोगे। नहीं, आपने कहा कि बिहार से हम सीबीआई को भगा देंगे, इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बेबुनियाद, ये बदमाशी है बोलना, या जिन लोगों ने इस पेपर में छापा या जिन्होंने समझा, बिल्कुल इसका मैं खंडन करता हूं। हमने ये कहा है कि सीबीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करना शुरू किया है, डिग्रेशन हुआ है सीबीआई का, ये बात है। उसको गलत प्रचारित किया जा रहा है, लालू यादव बोला कि खदेड़ देंगे, हम लोग अपराधी गुंडा नहीं है, गुंडा का सहारा आपने लिया है, बीजेपी ने यहां लिया है अपराधियों का सहारा। लालू यादव क्रिमिनल नहीं, वी आर पॉलिटिकल लीडर, क्रिमिनल राजनीति जानते, क्रिमिनल तो आपके साथ भी थे पहले, कौन क्रिमिनल हमारे साथ थे पहले? कई कई नाम बताएं, दिलीप सिंह करके कोई, दिलीप सिंह कोई अपराधी नहीं, दिलीप सिंह हमारे टेन्योर में कोई अपराध नहीं किया, पहले किया था। अब क्या क्या वो न्यायालय बताएगा, लेकिन जो जिनकी जबान पर है, जो नैतिकता की बात करते थे, जो मोरल सिद्धांतों के असूलों की बात करते थे, सत्ता के लिए कितने नीचे लोग गिर सकते हैं। नीतीश कुमार को तो आपने बड़ा पटकनी दे दी, उनका क्या पटकनी, भविष्य खतरे में कर दिया। नीतीश कुमार तो सांप्रदायिकता के बलि के बकरा बन गए, कुछ समझ नहीं पाए, होशियार होते हुए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने असेंबली में कहा कि दिल्ली भी छूटा और यहां भी छूटा, तब बीच में न बैठा रहना है, यही तो कंस्पिरेसी थी बीजेपी की कि दिल्ली से भी भगाओ और बिहार में खत्म हो रहा है। तो जानती थी बीजेपी कि जैसे मृत्यु सत्य है वैसे इनकी हार सत्य है। ये बताइए कि आपके पुराने साथी जितने भी, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज हो, चाहे शरद यादव हो, ये सब क्यों एक एक करके छोड़ गए? देखिए, छोड़ नहीं गए, ये सब लोग पद के भूखे लोग हैं, काम कुछ नहीं, कमाई हमारी रहती थी, भोजन ये लोग करते थे। अभी देखे कि जो लालू यादव है वही हम ही काहे नहीं बन जा, तो ज्यादा जोगी जमा हो गए, एक जगह मठ का उजाड़ हो गया वहां। लेकिन शरद यादव ने तो आपको हरा दिया, साथी कोई नहीं होता है, शरद यादव ने चुनाव में तो हरा दिया आपको, साथी कोई नहीं होता। ये जो संसार है ना, संसार, इसको इसमें बहुत तरह के ठग लोग हैं, पग पग पर ठग मिलते हैं, इनसे संभल संभल करके बच के निकलना पड़ता है।
ये सब ठग लोग थे, हमको ठग लिया और अपना चला गया, वही ठगा रहा हूँ। केंद्र के मंत्रियों का ठग कह रहे हैं? ठग नहीं तो क्या होते, हमारे साथ थे ठग थे, हमारे साथ थे हमको ठग के चले गए, हमको ठग नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सरज यादव, ये सब गुरु हैं, एक दूसरे के गुरु हैं। अभी जैसे फ्लड आता ना, देखोगे कि पेड़ पर सांप छुछुंदर बिच्छू सब एक जगह सट के बैठा रहेगा, एक दूसरे का दुश्मन काटेगा नहीं, वैसे बैठे हुए हम। जहां एक ओर अपने विरोधियों की निगाह में लालू यादव जंगल राज चलाने वाले खलनायक हैं, तो समर्थकों की राय में वे गरीबों के मसीहा हैं। मजे की बात यह है कि दोनों ही खेमों के पास तर्कों की कोई कमी नहीं है। तो आइए अब एक नजर लालू यादव के बारे में लोगों की राय पर। लालू जी जन नेता हैं और नेता के रूप में और पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में अच्छे ही लगते हैं। अब राजनीति में निपुणता उनको हासिल है तो उनको हासिल है, ये अच्छी बात है। बिहार आज जिस प्रकार से अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हिंसा, लूट, जातिवाद के घोंदे में घिरा हुआ है और वो उसका काला कारनामा निश्चित रूप में उसका श्रेय लालू प्रसाद पर जाता है। नीतीश कुमार वाली घटना को आप छोड़ दीजिए तो लगातार लालू जी सत्ता पर काबिज हैं, तो ये अपने आप में एक ये तो है ही, कोई साधारण बात नहीं है। आज जो लालू जी के हाथ में जो ताकत है, उस ताकत का सबसे बड़ा आधार जो है पिछड़ों का समर्थन है। विकास और लालू यादव ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, दोनों साथ नहीं चल सकते। लालू और विकास ये दोनों के विपरीत एक दूसरे के हैं, इसलिए कभी भी लालू यादव ने विकास के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। बिहार के विकास के लिए जोर तो तिकड़म के अंदर उनका कोई मुकाबला नहीं है, झूठ बोलने में कोई मुकाबला नहीं है, लोगों को धोखा देने में उनका कोई दूसरा सानी नहीं होगा। और उसी का परिणाम हुआ कि एक एक करके सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। हम लोग कहते भी हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू ने ठगा नहीं। लालू प्रसाद यादव की जो क्षमता है काम करने का, शायद पूरे बिहार के देश में ऐसा कम नेता पाए जाएंगे। रात रात भर खटना, दिन दिन भर खटना, ये शायद किसी बिहार का क्या देश का कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता जो लालू प्रसाद यादव जी की क्षमता है। साल पहले जब राबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तब सबने यह माना था कि इससे क्या हुआ, वास्तविक सत्ता तो लालू के हाथों में रहेगी। और यह अंदाजा सही भी साबित हुआ, राबड़ी के नाम पर लालू बिहार का शासन तो चलाते ही रहे। राबड़ी देवी ने भी इसे स्वीकार करने में ज्यादा परहेज नहीं किया। अब वे दोबारा बिहार की मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ बदली हुई है। एक तरफ तो उन पर कांग्रेस का प्रेशर है तो दूसरी तरफ आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में सीबीआई से चार्जशीट होने की तलवार भी उनके सिर पर लटक रही है। राबड़ी देवी इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगी, पूछते हैं उन्हीं से। राबड़ी जी, आप काफी मुश्किल के बाद जो है बिहार की चीफ मिनिस्टर दोबारा फिर बन गई, अब ऐसा क्या करेंगी आपको लगे कि बिहार के लोग बड़े खुश हो जाएंगे, या मतलब आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारा जो होगा जनता को, पहले समय जनता साथ है हम लोग को, और जनता चाहती है कि गरीब की राय रहे बिहार में। जो 40 साल पहले राज था गरीबों के लिए नजर में नहीं था। तो गरीबों के लिए कुछ ऐसा करने वाली आप हैं कि उनको लगे कि हाँ हमारी सरकार 10 साल में जो काम की है सब गरीब के जानकारी हो गया है, काम के विषय में हमको काम भी हो रहा है, गरीबों के घर घर में गांव गांव में ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। तो आप भी 2.5-3 साल चीफ मिनिस्टर रह ली, 10 साल में आपने ज्यादा अच्छी सरकार चलाई या लालू जी अच्छी सरकार चलाते थे? हम दोनों आदमी मिलकर चलाए हैं। अच्छी ज्यादा किसकी थी? साहब को उनकी ज्यादा अच्छी थी। अपनी सरकार को आप उनके मुकाबले खराब बता रही हैं? नहीं नहीं, खराब हम लोग काम नहीं किए हैं इसीलिए खराब नहीं, दोनों आदमी अच्छे काम किए हैं। हमको दिक्कत होता है बाहर निकलने में,
बाहर हम उतना नहीं जा पाते हैं। अब साहब को तो अपना रात हो भी रात हो जहाँ उनका रहता वहाँ निकल जाते थे चले जाते, तो महिला को ना थोड़ा दिक्कत होता है निकलने में बाहर। तो लोगों से आपका उतना संपर्क नहीं हो पाता? नहीं, ऐसे तो लोग से हम मिलते हैं, लोग आते हैं तो मिलते हैं, जाते हैं तो गाँव में तो मिलते हैं। अच्छा, एक दिल्ली के अखबारों में और सब जगह भी छप रहा है कि आपको भी चार्जशीट कर सकती सीबीआई और आपको भी हटना पड़ सकता है, ऐसी नौबत है क्या? ना, ऐसा नौबत नहीं आएगा। सबूत चाहिए ना, क्या सबूत है हमारे गलती जो हम किए हैं, हमको मांगेंगे ना कि क्या हम गलती किए हैं, ले आकर हमको दिखाइए, जनता को दिखाइए। उनका डर वाला सा था, उनका अला सा था, हम लोग नहीं हट सकते ना, इस्तीफा हम दे सकते हैं। इस्तीफा नहीं देंगे? कैसे देंगे, जब हम सबूत नहीं देखेंगे पहले कैसे दे सकते हैं? और अगर वो चार्जशीट करते हैं तब? उसको नहीं मानेंगे हम, कैसे मान लेंगे चार्जशीट? वो अपना मन से जो कह पाएंगे वही से रूट पर पकड़ के चार्जशीट कर देंगे, जेल भेज देंगे, ऐसा ही खेलवा पीजिए क्या? जनता यहाँ देख रहा है सब कुछ, क्या लोग बदमाशी कर रहा है। आपके ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि अपनी आय से ज्यादा संपत्ति है, जबकि आप कहते हैं गलत बात है। जबकि आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम दूध बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दूध नहीं भेजते हैं जी, हम लोग पास खेती है, खेती करते हैं, हम लोग के पास उतना खर्च भी नहीं होता है, हम अपना ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं। खर्च कैसे नहीं करती अपने ऊपर? क्या खर्च हम करते हैं, जैसा है वैसे आप देख रहे हैं, शुरू से पहले भी इसी तरह से, आज भी उसी तरह है। आपका खर्चा बहुत कम है? हम अपना ऊपर खर्चा कम लेते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं, हम अपने बच्चे को देखते हैं। तो तनख्वाह तो बहुत बच जाती होगी आपकी? हमारा पूरा बच जाता है, खेती से हम लोग के खाते हैं पीते हैं। अब मुख्यमंत्री वाली तनख्वाह क्या करते हैं हम लोग, तो उसमें भी आमदनी हम लोग का होता है, खेती से भी आमदनी होता है, ऐसा बात नहीं के लिए। दूध कहाँ बेचते हैं? दूध कहाँ बेचते हैं? हम दूध एक जगह नापते हैं, दूध दुकानदार को देते हैं, जो शुरू से लेता है उसी वही दूध ले जाता है। और जो तनख्वाह बचती है मुख्यमंत्री वाली, वो कहाँ रखती है, बचा के? नहीं, वो तो वही जमा हो जाता है सचिवालय में, हमारा घर में नहीं आता है। तो बहुत पैसे जमा हो गए होंगे आपके पास? अब आप चेक कर सकते हैं कितना जमा हुआ है, तो जाकर सचिवालय में चेक कर सकते हैं। तो बच्चे तो मांगते होंगे आपको, तंग करते होंगे? नहीं, बच्चे भी उतना खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर लोग खर्च होता है, आलतू फालतू पैसा हम लोग नहीं, न सर्कस न सिरनामा न कहीं आना जाना, कहीं हम लोग नहीं रहता है, न बच्चों न हमको, सब पैसा हम लोग को बचता है। सिनेमा वगैरह बच्चे नहीं, नहीं कहीं नहीं, कोई नहीं जाता है, दिन भर घर में बैठे रहते, दिन भर घर, अपना स्कूल गया, सब आया खेला, मास्टर आया पढ़ाया, अपना चला गया, खा पी के अपना खेल कूद के सो गया। अच्छा, अब तो शासन पे, सरकार पे, प्रशासन पे, अफसरों पे आपकी पकड़ हो गई होगी? ऐसा बात नहीं, गलत अफसर लोग काम करता है, जो हम लोग काम करते हैं वो लोग करता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लोग सुनता है। तमाम विषयों पे अभी आप सलाह लेती हैं लालू जी की, या अपने मन से आप फैसला कर लेती हैं? देखिए, जो ऐसा गलत फाइल आता है तो उस पर हम लोग सलाह लेते हैं, ऐसा जो नॉर्मल आया हम करते जाते हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, जिस दिन नीतीश कुमार बने उसी दिन उन्होंने मुख्य सचिव बदल दिया और आपका मुख्य सचिव हटा दिया, इसकी क्या वजह थी? अभी इसकी वजह तो वो लोग से जाकर पूछिएगा नीतीश जी से, राष्ट्रपति शासन में भी लोग हटाया था, इसमें भी लोग हटाया था। आप वापस लाएंगे सारे अधिकारी भी? हमारा अधिकारी जो सीनियर एसपी था आ गया, चीफ सेक्रेटरी वगैरह डीएम तो वही है, चीफ सेक्रेटरी भी अभी वही है, अभी तो हम लोग नहीं हटाए, हटाएंगे इस पर अभी हम लोग सोचे नहीं।